हर हर महादेव। आज का वीडियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रुद्राक्ष दीक्षा की तरफ से। ये पैकेज है जो ईशा फाउंडेशन की तरफ से या रुद्राक्ष दीक्षा की तरफ से हमें रिसीव हुआ था कुछ टाइम पहले। तो आज मैं इसको ओपन करूँगा और इसमें क्या क्या सामान या आइटम्स आया था वो सबको बताऊँगा। तो रुद्राक्ष एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, टीयर्स ऑफ शिवा। भगवान शिव जब रोए थे उससे जो भी पैदा हुआ था उसे रुद्राक्ष कहते हैं। और ये रिसीविंग था रुद्राक्ष जो एनर्जाइज था सद्गुरु के द्वारा और ये महाशिवरात्रि पे आया था। इस पैकेज में जो चीज़ें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपसे आज मैं शेयर करूँगा। इसमें रुद्राक्ष आया था दैट प्रोवाइड सेवरल फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स टू दोज हु वेयर इट। ये भगवान शिव का पोस्ट कार्ड है जो इस पैकेज के साथ आया था। इसमें ईशा विभूति है दैट इज़ ए सैक्रेड ऐश कंसंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ध्यानलिंगा। और इसमें अभ्यास सूत्र है जो ये काला धागा है जिसमें ये रुद्राक्ष बंधा हुआ है दैट इज़ अभ्यास सूत्र। उसके अलावा ये रुद्राक्ष जो है दैट इज़ ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू बिकम एक्सेसिबल टू द ग्रेस ऑफ आदियोगी। उसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं रुद्राक्ष के, इट इज़ सपोर्टिव ऑफ फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, इट असिस्ट इन मेडिटेशन, इट क्लींजेस द ऑरा, इट शील्ड्स अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जी। जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास ये सबको दूर भगाता है। और ये इस तरह धागा आपको बांधना है रुद्राक्ष में, ठीक है। और अपने अगर लड़का है तो अपने राइट हैंड पे बांधिए और अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड पे बांधिए। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें क्या क्या आया था और इसको किस तरह पहनना और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब कुछ इसके साथ ही आया था। बट ये जो पैकेज आया है ये महाशिवरात्रि तक इसकी रजिस्ट्रेशन सी जो भी क्लोज हो चुकी हैं। तो अगर आपको कभी नेक्स्ट टाइम ये अगर रुद्राक्ष दीक्षा की तरफ से कुछ भी आता है मैं वो लिंक आप सबके साथ शेयर करूँगा। और जो रुद्राक्ष की कहानी है ये काफ़ी सालों पुरानी है। रुद्राक्ष आर द टीयर ड्रॉप्स ऑफ शिवा। शिवा जब अपने मेडिटेशन में लीन थी काफ़ी समय तक और वो ध्यान इतना पावरफुल था कि बिल्कुल भी अनमूविंग था उनके लिए, बिल्कुल स्टिल थे शिवा, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे, सांस भी ऐसे ले रहे थे जैसे लग रहा था कि वो जीवित नहीं है। तो सबको यही लगा कि पता नहीं भगवान शिव जिंदा है कि नहीं है। और जैसे ही उनके टीयर्स धरती पर गिरने के बाद वो रुद्राक्ष का रूप ले लिए। तो जो मैंने आज आपको वीडियो बताया है इसमें रुद्राक्ष के साथ साथ मैंने विभूति और किस तरह पहनना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। भगवान शिव से ऊपर कोई एनर्जी नहीं है ये हम सभी जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।